राज्य की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है मेला जल विहार में, जहां पर नाव का झूला जो कि यहां का सबसे हुड़दंग झूला होता है, युवा यहां पर काफी मनोरंजन करते हैं। हम चलते हैं, पूछते हैं यहां पर कि कितने लोग इस झूले में बैठ जाते हैं, क्या भार क्षमता है, क्या स्पीड रहती है। और हमारे साथ हमारे जो सहयोगी उनसे कहेंगे इस मेला में जो ये झूला है वहाँ पर लोग चले आइए और झूले में हम लोग। भैया क्या स्पीड रहती है इसकी? 80 फीट तक ऊपर, मेरा नाम अरुण प्रजापति है, 80 फीट तक ऊपर जाती है। हाँ, और ये सतर्कता क्या है इसमें? सतर्कता क्या है? सतर्कता सावधानियाँ क्या है? सावधानी सीट बेल्ट लगे हुए हैं। हम हमारे साथ जो सहयोगी उनसे भी हम बात करेंगे, पूछेंगे और अंदर चल के ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ के हैं आप? धूनी सिंह, बारेला आदिवासी, गुना जिला, मध्य प्रदेश। कितने सालों से ये कर रहे हैं आप? ये मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ सर। कितने लोगों की टीम है, कितने दिन में झूला कस के तैयार कर दिया? हम 2 दिन में सर झूला तैयार कर देते हैं। 8 दिन की टीम है हमारी, 8 लोग ही काम करते हैं केवल। और कितनी क्या अर्निंग होती है, क्या इसकी फीस है? उसकी फीस 50 रुपया सर, 5 चक्कर चलता है। और 2 साल हो गए हम पार्सल आए थे, इस साल भी आ गए, सहयोग मिला पब्लिक का, आपका, सबका। इस साल फिर आ गए हम लोग, हमारे भागचंद भाई सबरे ग्वालियर के रहने वाले हैं, ठेकेदार, उनने जाकर ठेका लिया है। इस साल पूरे मेले का उनने ठेका लिया, उन्हीं ने मेला लगवाया है यहाँ का, भागचंद भाई सबरे, जो इस साल उन्हीं वजह से पूरा मेला अच्छे तरीके से चल रहा है, बढ़िया टिकट मिल रहा है पब्लिक का, सबका अपना। इसकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई इसकी 80 फुट ऊपर जाती है, 80 फुट ऊपर जाती है। और पब्लिक आराम से मनोरंजन कर रही है, बाल बच्चे झूल रहे हैं। हम लोग बहुत दूर दूर के मेले करते हैं, नेपाल, बंगाल, गुजरात, नेपाल, अहमदाबाद, गुजरात, बम्बई। में कितनी बार आना हुआ आपका? ये 2-3 साल है सर हमारा यहाँ पे। पहली बार आए? नहीं, 2-3 साल है हमारा, 2-3 बार। हाँ, 2 बार है हमारा। एक बार में कितने लोग बैठ जाते हैं? एक बार में 150 लोग बैठ जाते हैं। 150 लोग? जी, यानी 75 लोग, 60-75 लोग। इसमें सावधानियाँ क्या है, किस तरह की सावधानी? हम लोग जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, परमिशन होता है नगर पालिका से, कलेक्टर से, हम लोग का जिम्मेदारी होता है, हम लोग चलाते हैं, उसकी जिम्मेदारी होता है हम लोग के ऊपर, उसकी जिम्मेदारी हम लोग की। पब्लिक झूल रही है, झूल बेट लगे हुए हैं सबके पास में। लोगों को क्या सावधानी इसमें देते हैं आप? उस तरह से लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, जो युवा है उनको क्या कहना चाहते हैं आप? उसको हम भी कहना चाहते हैं आप लोग नीचे बैठ जाओ, लेकिन वो नहीं मानते हैं। उनका क्या मनोरंजन ड्राइव करते हैं, एंजॉय करते हैं, 50 रुपये देते हैं जो ऊपर बैठते हैं। ये बात है सर। आपके आपके परिवार के लोग हैं सारे लोग? जी, हमारे परिवार के जितने सबके हैं, ग्वालियर है, बम्बई के हैं, कुछ बंगाल के भी हैं, कुछ बिहार के भी हैं, कुछ ग्वालियर के, कुछ यूपी के, हम गुना जिला के रहने वाले हैं। ये देख रहे हैं 80 फीट की ऊंचाई पर ये पूरी नाव चल रही है। हमारे कैमरा में सहयोगी प्रहलाद पटेल भी है, थोड़ा घबराए हुए हैं। और ये देखिए आप किस प्रकार से हुड़दंग है, पीछे दिखाएं, पीछे किस प्रकार से, पीछे देखें आप, पीछे किस प्रकार से लोग बैठे हुए हैं। और हमारे पीछे भी देखें आप किस प्रकार से ये तस्वीरें हैं, जो 80 फीट के ऊपर से ये तस्वीरें देखने को आपको मिल रही है। और यहाँ पर काफी युवा वर्ग आनंद लेते हैं। जी, क्या कहेंगे? और इस साल पे हम लोग 2 साल से आ रहे हैं, इतनी बड़ी नाव कभी आई नहीं आपके मेले में, छतरपुर जिले में। हम लोग क्या 2 साल से आ रहे हैं, इतनी बड़ी नाव लेके आपके मेले में। पब्लिक को एंजॉय है, बच्चों लोग अपने मोहल्ले के, गाँव जिले के सब आते हैं एंजॉय करने के लिए, बड़ी नाव लेके आते हैं। आराम से चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आप लोगों को कितना का टैक्स लगा है? ठेकेदार का ठेका होता है यहाँ पे, ठेकेदार हमारे भागचंद सिवरे हैं, वो ठेका लेते हैं यहाँ का। अर्निंग कितनी हो जाती है एक दिन में, यदि 150 लोग बैठते हैं? 150 लोग बैठते हैं, वो 30-35 हजार रुपए की इनकम है सर। वो तो हाँ, वो खर्चा बहुत पड़ता है, केवल लेबर है, 12-13 लेबर लगी है, बहुत खर्चे पड़ते हैं इसमें हम लोग के, आना जाना बहुत दूर दूर से। लोग कर्मचारी भी रखे होंगे आप? जी, 12 कर्मचारी हैं, अगल बगल लगे हुए हैं, चारों तरफ लगे हुए हैं। अच्छा, गार्ड को लेकर किस प्रकार की क्या सुविधा है? ये गार्ड भी आप लोग लगाते हैं? गार्ड लगाते हैं, नीचे खड़े, ऊपर खड़े हैं, गार्ड की व्यवस्था है।
कोई समस्या है इसमें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई फिक्र, कोई टेंशन नहीं है इसमें सर। तो ये थे झूला के मेन व्यक्ति जो आदिवासी हैं, लेकिन इनके द्वारा इस बार दूसरी बार आए हुए हैं यहाँ पर। युवाओं ने काफी उत्साह लिया, युवाओं ने काफी मनोरंजन किया। लगभग 150 से लोग, अधिक लोग यहाँ पर बैठे हुए थे जिन्होंने काफी भरपूर आनंद लिया। और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे, पूछेंगे कि कैसा उन्हें लगा है इस झूले में लेकर के, क्योंकि ये झूला भी छतरपुर का ऐतिहासिक झूला है जिसमें जो युवा वर्ग है वो काफी मनोरंजन करता है। और देखें आप, ये पूरी तस्वीरें झूले की हैं जो लगभग 80 फीट ऊंचाई पर जाता है। तो मेला जल विहार की जो प्रमुख चीजें हैं उनको हम दिखा रहे हैं और आपका बचपन आपको याद दिला रहे हैं। छतरपुर से पेपर टाइम के लिए कैलाश पटेल के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।